आपने दोनों टीम्स को देखा, नीरज जी की टीम को, आशीष की टीम को और राजेश जी, इन दोनों टीम्स पे से अगर मैं आपको कहूं कि एक लॉन्ग शॉट कॉम्बिनेशन लेना है या फिर दोनों लॉन्ग या दोनों शॉट लेने हैं, आपका प्रेफर्ड पिक क्या रहेगा दोनों टीम्स में से टेक्निकली? वीरेन जी देखिए, यहाँ पे मैं लॉन्ग लॉन्ग का ही कॉम्बिनेशन लूंगा, क्योंकि वहीं पे मुझे लगता है कि बाजार का मूव आज थोड़ा वैसा होगा, क्योंकि कैपिटल होगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बड़ी सेलिंग होगी। आशीष जी की टीम से ही शुरुआत करूंगा। देखिए, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो मिड कैप टेक्सटाइल्स स्टॉक है उनको आशीष जी कवर कर रहे हैं, वहाँ पे एक अच्छा बस भी मिल रहा है, मोमेंटम भी गेन है, तो यहाँ पे F&O में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो मिड कैप पे ही फोकस होगा। तो आज के लिए रहेगा SVP ग्लोबल टेक्सटाइल। देखिए, इसका अगर आप चार्ट देखें तो चार्टिकली अगर जो करेक्शन था हमने देखा था करीबन 135-140 से शुरू हुआ था, वह गया था करीबन 40 तक, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है डेली चार्ट देखे कि बॉटम लग गया है। एट द सेम टाइम जो कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले 15-20 दिनों से ये जो कंसोलिडेट हो रहा है, दैट इज कंसोलिडेटिंग अबाउट इट्स 10 and 20 DMA एंड 50 DMA, और ये जो कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है करीबन 52 to 53 के आसपास, और कल का क्लोज है करीबन 54.50 का। तो मुझे लगता है कि इट इज होल्डिंग वेल अबाउट इट्स सपोर्ट। तो अगर इस सपोर्ट को होल्ड करता है तो जो प्रोजेक्शन दिखता है, जो नया स्विंग या रिलीफ रैली का जो टारगेट बनता है, दैट शुड बी क्लियरली 61। तो SVP ग्लोबल में आज बाय करूंगा, 54.50 के आसपास का क्लोज दिख रहा है, तो स्टॉप लॉस रहेगा 53 का, और जो जैसे मैंने कहा टारगेट 61, लेकिन प्रोजेक्शन 61 के ऊपर का क्या है, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, और वो है 68। तो इस पे नजर रखे SVP ग्लोबल जो आशीष जी की टीम में है। और नीरज जी की टीम में देखिए, जो F&O वाला काउंटर है, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है रिलायंस में है डेफिनेटली है, लेकिन उसके साथ कहीं है तो वो है कोल इंडिया। ठीक है, छोटा टिकट साइज है वैल्यू वाइज अगर आप यहाँ पे देखें तो, और जो पैटर्न बनता है दैट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन, ये फ्लैग का ब्रेकआउट डे है, और ये 200 का जो सप्लाई था ये अभी सपोर्ट बन रहा है, तो 205-206 ये इसकी कल की जो क्लोज थी वो 206.206.90 है। तो मुझे लगता है ये जो 200 के ऊपर ये खुद को ट्रेड करना शुरू कर रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है पोजिशनली वो रहेगा 235-240, इसलिए इसको रडार पे लेके आया हूँ। तो 206 पे ये है, 200 का स्टॉप लॉस होगा। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 215 से लेके 218 ये कोल इंडिया का टारगेट होगा। सो नीरज जी की टीम से रहेगा कोल इंडिया।